नगर निगम चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत मनी माजरा वार्ड नंबर 6 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पॉकेट 6 में एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें दविंदर रोहिल्ला निरीक्षक ने अध्यापकों व बच्चों को 4 प्रकार की कूड़े के बारे में बताया कि कूड़े को किस प्रकार अलग करना है। बच्चों से अध्यापकों से व बच्चों के माता पिता से अनुरोध किया कि वे स्वस्थ सर्वेक्षण 2023 में अपना कीमती सुझाव जरूर दें, चंडीगढ़ को सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, नगर निगम का सहयोग कर आसपास सफाई रखें। इस प्रोग्राम में स्कूल की ओर से अध्यापिका मौसमी मंडल, कुसुम, सुषमा शर्मा, गीता देवी, नीलम, अमन शर्मा, बबली देवी, भावना, सपना, सुनील कुमार, सुरजीत और करणजीत कौर ने हिस्सा लिया एवं सभी ने आश्वासन दिया कि वे नगर निगम की तरफ से दी गई जानकारी को जन जन तक पहुंचाएंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर देंगे और लोगों को भी सुझाव देने के लिए कहेंगे। क्या नाम है आपका? अनुगोर सिंह। आज आपके स्कूल में बच्चों को और आप लोगों को भी जागरूक किया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा हमारे बच्चों को, और हमें जो कूड़ा है और उसके टाइप्स है वो पता लगा, और हमें क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के बारे में पता लगा। और दूसरा ऑफेंस, अगर जो हम इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं तो वो कितना जुर्माना होएगा सिंगल हाउस होल्ड के लिए, और फर्स्ट टाइम कितना रहेगा, दूसरे टाइम कितना रहेगा, इस सब के बारे में हमारे बहुत मूल्यवान जानकारी मिली। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मौसमी मंडल है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पॉकेट 6 की अध्यापिका हूँ। आज हमारे स्कूल में चंडीगढ़ एमसी ऑफिस से टीम आई है और उन्होंने हमें स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है और बताया है कि 4 तरीके के कचड़े होते हैं और चारों को अलग अलग ही करना है, अन्यथा हमें जुर्माना भी लग सकता है। तो मैं आपसे और सभी बच्चों से और उनके माता पिता से अनुरोध करूँगी कि अपने घर के कूड़े को 4 अलग अलग डस्टबिन में ही डालें और जब चंडीगढ़ को साफ सुथरा नंबर 1 बनाएं। और चंडीगढ़ का स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस सर्वे में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है और ज़रूर 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 चंडीगढ़ को नंबर 1। धन्यवाद। सर, आज वार्ड नंबर 6 में सर स्कूल में आपने अवेयरनेस चलाई थी उसके बारे में? जी, जैसे कि आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 चल रहा है, उसके अंतर्गत हम आज पॉकेट नंबर 6 गवर्नमेंट स्कूल में अवेयरनेस करके आए और फीडबैक के लिए उनको जागरूक करके आए कि आप फीडबैक दीजिए, आपका ये सुंदर शहर है, इसको नंबर 1 बनाइए। इसके लिए हम आज 4 प्रकार के कूड़े के बारे में लोगों को बता के आए हैं, अवेयर करके आए हैं। स्कूल में सर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको और क्या स्वागत बच्चों का? हाँ, बच्चों की देखिए, आप बच्चे ही घर की पहली सीढ़ी होते हैं। बच्चे जैसे माँ बाप को कोई चीज़ बोलते हैं, माँ बाप फॉलो करते हैं उस चीज़ को, तो बच्चों को हमने ये अवेयर किया बेटे आप घर में ये बताओ कि गीला क्या है, सूखा क्या है, और मिक्स होता है तो उनको बोलो माँ पापा अपने इसको अलग अलग करो। जैसे ही गीला सूखा कूड़ा अलग होगा, हमारा अवेयरनेस हम समझेंगे कामयाब हो गया। और एक फीडबैक, ये आपका शहर है, आपको पता पूरे इंडिया में सर्वेक्षण चल रहा है, तो आप आगे आइए और अपना फीडबैक दीजिए और चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाइए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सर्वेक्षण के अंतर्गत ये है कि हम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, 4 प्रकार के कूड़े के बारे में अवेयर कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस जितनी अवेयरनेस होगी उतने लोग जागरूक होंगे, उतने बढ़िया वो अपने फीडबैक देंगे। मेन बात यह है कि हमें चंडीगढ़ को नंबर 1, क्योंकि आप जानते हैं पूरे इंडिया में चंडीगढ़ सबसे सुंदर शहर है, तो इसको नंबर 1 जरूर आना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना फीडबैक दें और चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाएं। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।